केएमसी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 21 मई को कराने का ऐलान कर दिया गया। केएमसी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के कागजात जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 10 मई को की जाएगी। इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी पर एतराजात 12 मई तक किए जा सकते हैं और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 13 मई रखी गई है। इस हवाले से केएमसी इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हसन इमाम सिद्दीकी ने बताया कि शहरियों को बल्दियाती सहूलियत पहुंचाने वाले अफसरान अपने हुकूक की खातिर 21 मई को इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बड़ी मतलब वाबस्ता है केएमसी वेलफेयर एसोसिएशन ने, ऑफिसर वेलफेयर ने बड़ा बड़े काम उन्होंने अंजाम दिए हैं और ये इस दफ़ा गैर जानबदार अराकीन इलेक्शन कमीशन इसका इंतखाबी अमल में इस सारे उसकी निगरानी कर रहा है। PFUG के अंदर मैं उसका चेयरमैन हूँ, इलेक्शन कमीशन का, कराची जर्नलिस्ट का, इलेक्शन कमीशन का मैं चेयरमैन हूँ, कराची प्रेस क्लब का मैं रुकन हूँ, इलेक्शन कमेटी का। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल बगैर किसी दाग के, बगैर किसी नोक के, ये शानदार तरीके से इलेक्शन का काम अंजाम दें। बल्दिया उज़्मा कराची के ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के 21 मई को होने वाले सालाना इंतखाबात के मौके पर मिंबरान में काफ़ी जोश व खरोश देखने में आ रहा है। कैमरामैन तौसीफ अलीम के हमराह नदीम सिद्दीकी।